hello good morning students welcome to online gk class and we are studying lesson 18 the water cycle okay let's continue with the chapter and we have already completed six sentences and now see seventh one द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट ड्राइव्स द वाटर साइकिल आपने देखा वाटर साइकिल किस तरह से चलता है जल चक्र जो हमारा है और उसका जो स्रोत है किसका एनर्जी का ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है जिससे जो चलाता है किसको इस जल चक्र को वो क्या है सन सूर्य आप देखते हैं यहां पर ये क्या है वाटर साइकिल है आप ये देख रहे हैं सन ये एनर्जी का मुख्य स्रोत है क्योंकि इससे जो गर्मी होती है उससे पानी समुद्र का पानी जो भी हमारे वाटर बॉडीज हैं उसका पानी जो गर्म होकर ऊपर उठता है और फिर ऊपर जाता है बादल बनता है और जब वहां ठंडा होता है तो फिर से वो पानी के रूप में नीचे आता है ठीक है तो ये चलता रहता है इसमें लेकिन जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है सन है. स्नो फॉलिंग फ्रॉम द स्काई वो प्रक्रिया जिससे कि वाटर ड्रॉपलेट्स जो पानी के बूंदे हैं या फिर स्नो फॉलिंग अगर वो बहुत ही ज्यादा ठंडे हो गए तो बर्फ बन जाते हैं तो बर्फ के टुकड़े गिरते हैं कहाँ से आसमान से इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं ये प्रेसिपिटेशन होता है जिसको वर्षण कहते हैं और ये बहुत ही शीघ्रता से होता है अत्यंत तेजी के साथ क्योंकि जो पानी की बूंदे हैं वो आकाश से बहुत ही तेजी से नीचे आती हैं नेक्स्ट वन द प्रोसेस ऑफ प्लांट्स रिलीजिंग वाटर पेपर एंड एडिंग इट टू दोसेस वो प्रक्रिया जिसमें कि पौधे क्या करते हैं वाटर पेपर रिलीज छोड़ते हैं वाष्प पानी ठीक है वाष्प एंड एडिंग इट टू द एयर और जो कि पौधों से निकलती है और कहा मिल जाती है हवा में वायु में ये मिल जाती है इसको क्या कहते हैं ट्रांस ट्रांसपारेशन ये वाष्पोत सर्जन है उसकी प्रक्रिया है एंड लास्ट वन द प्रोसेस ऑफ वाटर टर्निंग इन टू वेपर और जो आ, पानी पानी के भाप में बदलने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग कहते हैं इसको वाष्पीकरण कहा जाता है जिसे इंग्लिश में इवापोरेशन कहते हैं सो टुडे यू हैव टू राइट सेवन टू टेन इन द कॉपी ओके थैंक यू